एक प्रश्न है, सूतक जो किसी की मृत्यु हो जाती है अथवा तो किसी का जन्म होता है तो सूतक मनाया जाता है, एक निश्चित समय अवधि होती है। इस पर मैं एक बात कहना चाहूँ, ये मेरा अपना विचार है। देश काल परिस्थिति के अनुसार किसी भी नियम को पालन करना चाहिए। किस देश में बात कही गई, किस परिस्थिति में कही गई और किस समय कही गई, जब ये शास्त्रों में बातें कही गई उस वक्त बच्चे का जन्म घर में होता था और घर उस जमाने में मिट्टी के होते थे, तो उसको शुद्ध कर, और आप सभी जानते हैं कि जब जन्म होता है तो बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे अणु माँ के पेट से, बहुत सारी गंदगी निकलती है बच्चे के साथ, तो उससे क्या पूरा वातावरण अशुद्ध हो जाता है। तो उसको शुद्ध होने में मिट्टी के मकान में उस जमाने में बहुत सारे गोबर से पोछा लगाया जाता था, लीपा जाता था घर के आंगन को, घर को, तो शुद्ध होते होते 7, 8, 10 दिन लग जाते थे, इसलिए ऋषियों ने उसको सूतक का समय माना। इसी तरह मृत्यु के उपरांत बहुत सारी हमारी बॉडी में बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, तो वातावरण अशुद्ध हो जाता है। उसको शुद्ध करने में कम से कम 10 से 15 दिन के भीतर की जो अवधि मानी गई, इसलिए वो मानी गई थी। और यदि आज व्यवस्थित समाज हो गया है, बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है तो घर के अशुद्ध का होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो इसलिए आज वो दिनों की संख्या कम कर देनी चाहिए। लेकिन माताओं के लिए जो बच्चे को जन्म दे करके आ रही हैं, तो माताओं के शरीर जब तक स्वस्थ न हो जाए तब तक हमें सूतक का इस रूप में पालन करना चाहिए कि हो सकता है स्त्री के शरीर से कुछ स्राव हो रहा हो, कुछ बाहर निकल रहा हो, जब तक वो पूरा शांत न हो जाए तब तक हमको सूतक का पालन करना चाहिए।